एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। जनता के आरोप लेके आज हम पहुंचे हैं दक्षिण मुंबई के कांग्रेस के नगर सेवक वार्ड नंबर 216 के राजेंद्र नानवकर साहब के पास में। जनता की कुछ शिकायतें नगर सेवक राजेंद्र नानवकर साहब से आज हम वही शिकायतें लेके इनके पास पहुंचे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनका क्या कहना है लोगों की शिकायत पर। नानवकर साहब आपका स्वागत है खबर एक्सप्रेस न्यूज में। नमस्कार नारंग साहब, लोगों की शिकायतें थी 216 की जो आपका वार्ड है उन लोगों की कुछ शिकायतें थी आपसे। हम शुरुआत करते हैं पट्टे बाबूराव मार्ग से। पट्टे बाबूराव मार्ग पे हकीम चाल, बटड़ा चाल, दूधवाला चाल, वहाँ के लोगों की सबसे बड़ी शिकायत ये है कि वहाँ पे जो सर्विस सेंटर है जिसकी वजह से रोड पे गाड़ियाँ धुल रही है उनकी वजह से लोगों के ऊपर पानी के छींटे उड़ रहे हैं और जो रोड उन लोगों ने घेर के रखा है ट्रैफिक के मसले वो काफ़ी परेशान है इस बारे में। इसमें आपका क्या कहना है मलिक साहब? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने बड़े बहुत अच्छे मसले लिए लोगों को अंदर जाके और मुझे भी मौका मिला है कहाँ मैं मेरी खामियाँ हैं, कहाँ लोगों की और ज़रूरत है, काम मैं और करके लोगों को सही सुविधा दे सकता हूँ। तो आपने जो पहला भी मुद्दा उठाया पट्टे बापोरो मार्ग में टू व्हीलर फोर व्हीलर कम है, टू व्हीलर का कार वॉश, टू व्हीलर का व्हीकल का वॉशिंग का इश्यूज़ है, वो मेरे ध्यान में पहले से आया हूँ ये चीज़। लास्ट 3 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ प्रशासन से लेकिन उसमें सक्सेस नहीं आई। उसमें 3 मसले मेन जो है कि लोग वहाँ पे अनऑथराइज पार्किंग करते, उस इशू थोड़ा डेलिकेट इसलिए है उसमें 2 डिफरेंशिएट करने लो स्थानिक लोगों का व्हीकल्स कौन से और जो कमर्शियल दुकानदार जो बाहर पार्किंग करते बेचने के लिए, खरीदने के लिए, धोने के लिए। और वो मसला मुझे ट्रैफिक पॉलिसी सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। उनकी शायद दिक्कतें आ सकेंगी कि जो एक्शन लेते तभी सब एक लाइन में सबको उठा के लेके जाते कि ये देखेंगे नहीं ये रीच है, ये लोकल है, ये बार वाला है, घर वाला है, वो एक लाइन में सबको जो तकलीफ है उठा के लेके जाने वाले हैं। तो उनको एट ए टाइम इतनी गाड़ियाँ उठाने का नहीं होगा तो मैं उनको सुझाव देने वाला हूँ आप उसको क्लैंपिंग करो या अभी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जैसे फ़ाइन भेज सकते हो फाइन भी भेज दो, कहीं तो चालू तो करवा दो। और लोगों से मैं इस चीज़ पे बारे में बातचीत की तो उन्होंने उसमें सॉल्यूशन दिया कि हम लोग खुद के स्टिकर बना के रखेंगे तो जो हमारी ये खुद की गाड़ी है उस पर स्टिकर लगा के रखेंगे फिर सो दैट ट्रैफिक पुलिस को मालूम पड़े कि इस गाड़ी को बाजू में रख देना चाहिए, उस पर एक्शन लेटर ऑन से उसको नहीं करनी चाहिए। तो उनको ट्रैफिक पुलिस के पास मैं पहुंचूंगा, अभी तक नहीं गया फ्रैंकली मैं एडमिट करता हूँ, उस चीज़ में मेरे फॉलोअप अभी तक हुई नहीं। लेकिन जो बीएमसी का जो रोल है जो का वो व्हीकल धोते हैं उसके लिए पानी लगता है, वो पानी शायद वो अनऑथराइज टैपिंग करते होंगे तो पानी खाते वाले से मैंने ये पूछताछ आपके इंटरव्यू के पहले ले ली थी तो उस वक्त उनका कहना था ये लोग बाहर से टैंकर से पानी यूज़ करते, वो लोग बीएमसी का टैप वाटर यूज़ नहीं कर रहे। फिर भी इस चीज़ में मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ ये बात में उन पे दम है कि नहीं, सत्यता है कि नहीं। और उसमें जो बीएमसी का रेसिडेंशियल वाटर यूज़ करते होंगे तो उसके एक्शन होनी चाहिए और प्रशासन के पीछे लग के मैं करवा दूंगा। और कमर्शियल ऑथराइज शॉप हो गए तो उनके उनके अंदर दुकान में वो कुछ एक्टिव करे तो उसको ऑब्जेक्शन लेना ना तो जनता का या मेरा ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है। वो पानी अंदर यूज़ करते होंगे तो इट शुड बी मीटर्ड पानी का ना, उसका उन्होंने टैक्स भरना चाहिए। तो बाहर पानी का मसला मैं पानी खाते से शॉर्ट आउट कर दूंगा। दूसरी बात, दोनों जो करना है वॉशिंग का ना वो बंदिश्त प्लेस में मीन कन्फाइंड प्लेस में उनके दुकान के अंदर करना चाहिए और लोग वो बाहर करते होंगे तो उस पर बीएमसी की तरफ से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से अपन वो मार्शल या एनडी के तरफ से करवा सकते हैं। अभी क्या हुआ है 2 महीने पहले मार्शल का जो कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हुए ले, अब मार्शल के बारे में टेंडर निकलेला है 15 दिन पहले, उसकी स्क्रूटनी प्रशासन की चालू है तो शायद वो जल्दी 1 महीने भर में नए मार्शल आ जाएंगे तो उन पर मैं प्रायोरिटी पर कहूँगा प्रशासन को ये पट्टे बापर पर जो वॉशिंग चलती है पार्किंग चलती है पार्किंग के लिए नहीं करते, जो मूवेबल व्हीकल है उसकी जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस पर रहती है, जो एबंडन्ड है बहुत दिन से एक ही जगह पे पड़ी है व्हीकल्स उस पर फाइन के बदले बीएमसी नोटिस चिपका के 24 घंटे में नहीं उसने हटाया तो टोविंग करके लेके जा सकती है बीएमसी दो डंपिंग ग्राउंड पर। तो ये मुझे मान्य है एक चीज़ बहुत सालों से जड़ीली दुखावट है उसकी दूर होनी चाहिए।
सर पहले मैं आपसे यही मुद्दे पे थोड़ा सा और कुछ पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया कि वाटर डिपार्टमेंट ने आपको इन्फॉर्म किया है कि वहाँ के लोग जो है जो सर्विस सेंटर चला रहे हैं वो पानी जो है बीएमसी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, दूसरा पानी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो सर्वे किया, हमारी टीम ने जो सर्वे की है, वहाँ पर हमने देखा है कनेक्शन भी है तो वो भी यूज़ हो रहा है, वहाँ पर बीएमसी का पानी यूज़ हो रहा है प्रॉपर। तो बीएमसी इसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है और बीएमसी क्यों उन वाटर कनेक्टर को डिस्कनेक्ट क्यों नहीं कर रही है, उसका क्या रीज़न है? जरूर, वो पाइड में और एक देखा कि उन्होंने क्रिटिकाइज किया, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने लिखा कोई बीएमसी के स्टाफ या पुलिस के स्टाफ आके भी गाड़ियाँ धोती है, तो गलत चीज़ के लिए उनका इन्वॉल्वमेंट ना एकदम गलत चीज़ है। मैं तो खुद नहीं करता हूँ, मैं ऑथोराइज सेंटर में जाके मेरी खुद की करनी पड़ती है। तो हमारे जो स्टाफ करते हैं या पुलिस की चीज़ पुलिस के ध्यान में लगाऊंगा, हमारी चीज़ हमारे बीएमसी ऑफिसर के ध्यान में लगाऊंगा कि ये ऐसे अनोखा चीज़ से आप खुद की गाड़ी का उनको मौका मत दो, तो उसका गैरफायदा वो शॉपकीपर से वो ऑथोराइज अनऑथोराइज सेंटर से ले रहे हैं। और जिसके बाद आपने जो ऑब्जर्वेशन किया उसके आपके हेल्प से देखिए, लोकल जैसे भाटी साहब आए और उनके उनके रिश्तेदार है दोस्त ले हमारे पार्टी, उनसे मैं प्रशांत कमरे उनसे भी मालूम मत करवाऊँगा कहाँ से उनका अनऑथोराइज टैपिंग है, कहाँ से टैंकर आ रहे हैं और कहाँ से विदाउट मीटर्ड कनेक्शन है। तो ये बात पानी खाते के अभी पोस्ट असेंजर की खाली है, बागवे के पास चार्ज है, उसको मैंने 8 दिन पहले मीटिंग में ये इशू लिया था मैंने, एक अपना पठेवापुरा का अनऑथराइज वाटर यूज़। तो उस वक्त माननीय उपायुक्त परिमंडल वन के काले साहब और वार्ड ऑफ सहायक दोनों ने मुझे प्रॉमिस किया हम लोग थरो इन्वेस्टिगेशन करके अनऑथराइज कनेक्शन बंद करवा देंगे और चालू रहे कहीं होगा तो नोटिस दे के कायदेशीर कार्रवाई भी करेंगे। तो उसका पूरा फॉलोअप में करें और क्या वो छोड़ नहीं पाएंगे स्टाफ, क्यों वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो मुद्दा मैं मीटिंग में लिया हूँ डीएमसी के मीटिंग में सब नगर सभा के सामने, तो उनको राइटिंग में जवाब आना ही पड़ा, उनको कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। एक बात है कि ये सतत ने फॉलोअप करने वाली चीज़ है, एक झटपट ये उसका रिजल्ट वॉशिंग का बंद होने की संभावना कम है, फैक्चुअल जो है बताता हूँ, उस पर फिर से उस पर एक्शन लेनी पड़ेगी और मैं करते रहूँगा। जैसे कि आपने बताया कि अभी वॉशिंग के ऊपर एक्शन आपको कंटिन्यू लेनी पड़ेगी, तो उसमें से वाटर डिपार्टमेंट का तो नहीं है लेकिन साथ में लाइसेंस डिपार्टमेंट और जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है इंक्रोचमेंट जैसे उन लोगों ने फुटपाथ पे रोड पे किया, तो वो लोग क्यों हरकत में नहीं आ रहे? शायद मुझे लगता है ना डर के मारे में हो सकता है, फ्रेंकली ऐसे कोई कहा ना मैं कर रहा हूँ डर के मारे, उसको लाइसेंस डिपार्टमेंट रोड डिपार्टमेंट और ये हमारे पानी वाले एट ए टाइम तीनों में एक्शन लेने। मैं जब यहाँ नौकरी में था वो एक सर्वेलेंस टीम रहती थी, उसमें लाइसेंस डिपार्टमेंट आदमी आदमी रोड डिपार्टमेंट का आदमी और शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट सबको हम लोग इकट्ठा, कभी कभी तो हम लोग तीनों वार्ड के अधिकारी स्टाफ इकट्ठा करके एक्शन लेते सो दैट अपोजिशन विल कम, एक या दो आदमी जाके आदमी हैंडल नहीं करते उसमें सब आँख में आ जाते सब लोग देर इट्स वेरी स्ट्रांगली डे अपोज टू टेक एक्शन। तो ये चीज़ जो तीनों का मिलके करवाना वापस सर्वेलेंस टीम इस्टेब्लिश करना, ये मैं प्रस्ताव प्रशासन को दूंगा जो पहले से थे जैसी टीम और उनको साथ दो पुलिस कॉन्स्टेबल दिए जाते थे उनके प्रोटेक्शन के लिए, तो यूनिफॉर्म की वजह से लोग जरा सहयोग करते थे, विरोध सहयोग के मतलब विरोध तो कम होते थे, तो वो चीज़ फिर से आने की ज़रूरत है। तो मैं और ये जो मेंटेनेंस काम शायद बहुत सारे पोस्ट खाली है, जो स्टाफ है उनको भी बहुत जगह अलग अलग कोरोना की वजह से किसको एयरपोर्ट पे कुछ क्वारंटाइन सेंटर पे कुछ हॉस्पिटल में ड्यूटी दी गई थी, इसलिए लोग कम पड़ गए ले, अभी थोड़ा ठंडा पड़ रहा है तो उसके बाद भी मैं फॉलोअप करके ये टीम वापस फॉर्मुलेट करने की कोशिश और करने लगाऊंगा, कोशिश से बदले मैं उनको फॉर्मुलेट करने ही लगाऊंगा प्रशासन को। अच्छा सर, वहाँ पे अभी लास्ट जो इशू था पठेबापुरा मार्ग का कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स है महाड़े की जो रिपेयरिंग का काम चल रहा है वहाँ पे शिकायत आई थी कि जैसे दूध वाला चाल है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने कोरोना महामारी से पहले काम शुरू किया था लेकिन उसने उसके बाद में अभी तक का काम वहाँ पे होल्ड करने के बाद अभी तक कम्प्लीट नहीं किया और जो काम करना था उसने काम बिल्कुल भी नहीं किया है, ना इवन प्लास्टर नहीं हुआ है आउटसाइड, अंदर की सीलिंग्स नहीं बनी है, फ्लोरिंग्स नहीं बनी है और उसने सिर्फ कलर करके और वहाँ से वाइंड अप करके चला गया, जिसके रिलेटेड वहाँ के लोगों ने शिकायत भी की है माड़ा में लेकिन उसका अभी तक का कोई वहाँ से जवाब नहीं आया उन लोगों को। मलिक साहब, नॉर्मली क्या होता है माड़ा की जो मरम्मत काम है ना वो माड़ा कम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट और वो लोग डायरेक्ट माड़ा के अधिकारी, जब हमारे पास इशू आता है ना तभी डेफिनेटली आई पे अटेंशन, जैसे तुम्हारा शुक्ला स्ट्रीट में गोल दरवाजा है, अरब लेन की बिल्डिंग है मोतीवाला चाल और ये अपने आप दूधवाला चाल, मुझे कल आप के क्लिप से मालूम पड़ा, तुरंत सुबह में आज वहाँ के डिप्टी तावरे करके उनसे बात की
उनको पूरा ध्यान देने बोला, वो जा बोले मैं अभी कभी आज के आज जा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर से, वो जो बाकी वही चीज़ करवा लूँगा, उनसे नहीं हुआ तो उनके एग्जीक्यूटिव नहीं आए ले बोर से कर नागपुर से है आदमी, अच्छा लगा मुझे। एक महीने पहले एक मीटिंग में मुझे मिले थे और सभापति ने मैं उनको इंस्ट्रक्शन दिया स्थानीय नगर से हो गए उनसे बोलने का, तुम आदर कीजिए और वो काम पूरे करवा लीजिए, होपफुली आई विल गेट इट डन विद इन अ वीक। सो मेरा बोलना यह है कि सर जैसे कि अभी रिसेंटली आपके वार्ड में ही शुक्ला जी स्ट्रीट में एक बिल्डिंग का बैक साइड का हिस्सा कॉलेप्स हुआ था, ऐसे कई बापटी रोड पे ऐसे कई ऐसे किसी सामने आ रहे कि ओल्ड बिल्डिंग जो है रिपेयरिंग नहीं हो रही जिनकी और उनके बिल्डिंग के पार्ट्स गिर रहे हैं, लोगों की जान का खतरा हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही क्यों हो रही है? महाड़ा क्यों इन कॉन्ट्रैक्टर्स पे ध्यान नहीं दे रही है? कॉन्ट्रैक्टर किस तरीके से काम कर, अभी जैसे मैंने दूध वाला का आपको बताया तो दूध वाला का जब हमने कॉन्ट्रैक्टर से बात किया तो कॉन्ट्रैक्टर का कहना ये था कि काम उनकी कंपनी के नाम पर दिया गया है लेकिन काम कोई और कर रहा है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि काम दूसरी कंपनी के नाम पर निकला है और काम दूसरा कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है और उस पर महाड़ा बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही? अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? महाड़ा होगी, बीएमसी होगी, नगर सेवक होगा, आमदार होगा, कौन होगा? लोगों की जान के साथ में खेलने का जो खेल चल रहा है, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स का लाइसेंस क्यों ब्लैकलिस्टेड नहीं करते ये लोग? जो हरा ये बापटी रोड की जो बात हुई तो उस वक्त दुर्भाग्य से उस दिन मैं मुंबई में नहीं था, तो बहुत दफ़े वो काम चालू हुआ बन हुआ चालू हुआ और एनओसी होल्डर्स भी थे तो टाइम पे वो इवैक्यूएट होके उसकी मरम्मत की जाती थी, डेफिनेटली जो कोई बच्ची का इंतकाल हुआ बच पाती थी। माड़ा पे जो अधिकारी है उन्होंने इफेक्टिव सुपरविजन करना चाहिए, होता नहीं, नेग्लिजेंस होता है और काम करते समय भी बहुत उनको दिक्कतें आती है, वो होनी नहीं चाहिए। तो उसके बारे में जो जो मेरे पास वैसे आप कहाँ वैसे तावरे करके डिप्टी इंजीनियर इनको नज़र में ला दिया है, नाउ दे आर स्टार्टेड फॉलोइंग। इवन ये जो हादसे होते तभी तुरंत बिल्डिंग डिपार्टमेंट को मैं इंटीमेट किया हूँ, दे आर ऑल्सो स्टार्टेड फॉलोइंग द इश्यूज, बेटर टू अर्ली गो अर्ली दिस पीपल फॉर रिडेवलपमेंट सो दैट ये हादसे कम हो सकते हैं। मरम्मत का काम टाइम भी होता है इतना फुलफिल नहीं है, लेकिन अपने एरिया ऐसे कंजेस्टेड है वो भी उनकी शायद दिक्कतें होगी। लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया कि कॉन्ट्रैक्टर जो है काम तो अपनी कंपनी का नाम पे ले रहा है लेकिन दे रहे दूसरों को काम करने के लिए, उसका जवाबदार कौन है? उसका जवाबदार वो कॉन्ट्रैक्टर ही है, ही इज़ नॉट सपोज टू सबलेट, ही कैन जस्ट एंगेज लेबर फ्रॉम एनीवेयर, मटेरियल जो है स्पेशली लाना करवा के लेना, एक ही जिसको काम दे ही कैन सबलेट, और करते हो गए तो डेफिनेटली माड़ा ने उसको एक्शन ले शो कॉज नोटिस दे के नहीं सुनता हो तो दे ही शुड गो फॉर ब्लैक लिस्ट, दिस शुड नॉट बी टॉलेटेड। और ये जो आपने बोला ना जैसे दूध वाले के बारे में, अभी तावरे साहब को माड़ा का एग्जीक्यूटिव को राइटिंग में दे दूंगा, इट शुड नॉट बी टॉलेटेड, स्ट्रिक एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दैट कॉन्ट्रैक्टर, और उसकी कॉपी भी देंगे, आप भी उसमें ले फॉलोअप कर सकते हैं। नहीं सुने तो डेफिनेटली वील गो टू द माड़ा सभापति, रिसेंटली आई हैव फाउंड हिम वेरी सपोर्टिव एंड पॉजिटिव इन टेकिंग एक्शंस। जैसे हमने अभी माड़ा के जो कॉन्ट्रैक्टर थे दूध वाला चाल के, उनके कॉन्ट्रैक्टर कुछ शहजाद, हमने उनसे भी बात करी तो उनका भी यही कहना था कि हाँ मैंने काम कर दिया हूँ और सब काम हो गया है, लेकिन जब हमने जाके वहाँ के लोगों से मिले, टेनेंट से मिले और जाके साइट विजिट किया तो काम बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो मेरा बोलना ये है कि जैसे डेप्यूटी इंजीनियर है माड़ा के, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये काम कंप्लीशन होने के बाद में ये आके विजिट नहीं करते, चेक नहीं करते कि कॉन्ट्रैक्टर ने किस तरीके से काम किया है नहीं किया है, बिल पास इनका होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए सिस्टम में, और क्या प्राइवेट कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट को उन्हें जॉब दी है, उन्होंने उनके पास चेक लिस्ट रहती है क्या काम लिया कितनी क्वांटिटी हुई वो उस दर्जे की हुई कि नहीं, उसके बिल का साथ मेजरमेंट बुक रहता है, वो सब जूनियर इंजीनियर जो कुछ किया होगा वहाँ पे कोई मुझे लगता है दो चौहान करके दो लेडीज जूनियर इंजीनियर हैं, उन्हें ठग से किया कि नहीं, उसको क्रॉस चेकिंग के लिए डिप्टी इंजीनियर है, ऑफिस फाइनल बिल चेकिंग के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उन्होंने उनका काम करना ही करना है, उसके बिना बिल नहीं निकालना है। और गलती हो गई हो तो अभी भी सुधारने का मौका, कैसे चेक करना मुझे भी मालूम है, अभी अंधा हूँ, उसी ढंग से उसने करवाना चाहिए, नहीं हुआ होगा तो हम करवा के लेंगे। अच्छा सर, अभी हम आते हैं आर एस निमकर मार्ग पे,
आरिस निमकरमार की लोगों की शिकायत है कि जो बेत वाला चाल है वहाँ के लोगों ने जो फुटपाथ पे कब्जा किया हुआ है, झोपड़े बंधे हुए अवैध तरीके से बांध के रखे, हालांकि उनको ऐसा पता चला है कि हमें कि SRA ने उनको घर अलॉट कर चुके हैं, शिफ्टिंग भी दे चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग वहीं पर आके बसे हुए, हालांकि उनके खुद के घर सामने बेत वाला कंपाउंड के अंदर भी उनके घर है, लेकिन फिर भी वो लोग अवैध तरीके से झोपड़े बांध के उसके ऊपर अपना कारोबार कर रहे हैं और लोगों को वहाँ पर पार्किंग नहीं करने दे रहे, लोगों की काफ़ी शिकायतें आ रही है उनसे। ये भी अच्छा मुद्दा आपने उठाया, ये बात सही है। कुछ 15-20 साल पहले जो रास्ते पे जो थे आरिस निमकरमार के झोपड़े, दोनों BSTDP के बाहर और बेतवाल चाल के बाहर, म्यूनसिपल वर्कशॉप के बाहर, म्यूनसिपल वर्कशॉप जो खुद का BMC का है उसको अंदर आने जाने में तकलीफ हुई, ऐसी इंक्रोचमेंट है। उन लोग का सर्वे करवा के लिए उस वक्त DMC थे मिलिंद सावंत, उन्हें बहुत इनिशिएटिव अच्छा लेके उनको सबब में फ्लैट दिए गए SRA में फ्री। वो फ्लैट शायद उन्हें बेचे होंगे या भाड़े दे के वापिस वो आ गए ले, ये अभी अवे नहीं, कुछ 6-8 साल पहले वापिस आए ले। तो ये जब मेरे ध्यान में रास्ते अभी सीमेंट कंक्रीट रोड किया RSM का, तभी मेरे ध्यान में आई। और क्या होता था वहाँ पे जो गार्डन है सोलंकी गार्डन, उसकी मरम्मत करते समय दे ये लोग मस्ती करते थे, और वहाँ के प्रतिशत टावर के लोग भी मुझे शिकायत करते थे कि सब ये तो खाली रहने का नहीं, उन्होंने दुकानें भी ठोक दी है और सब चीज़ रस्ते पर कर रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान में मेरे आने के बाद तुरंत मैं उसके डिमोलिशन के लिए, उनके रिमूवल के लिए एक्शन के लिए वर्बल बोल के मेंटेन डिपार्टमेंट से चालू कर दिया। 4 बार उनके निकाल दिए थे, फिर से आके बैठे, उस पर एक्शन कंसिस्टेंसी लेनी चाहिए। तो उसमें बीच में उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया हम लोग 2000 के पहले वाले, सही झूठा पता नहीं लेकिन इट शुड बी वेरीफाइड ऑन द पेपर्स। तो मेंटेनेंस के अभियंता, जूनियर इंजीनियर, सब इंजीनियर और लाइसेंस डिपार्टमेंट, वो उन्होंने उनसे पेपर मंगवाए, उनकी स्क्रूटनी चाली हुई है कि शायद ऐसा हो सॉरी कि देने के बाद में भी 2000 का डॉक्यूमेंट बना के वो वापस आए ले, उनको पेपर सही निकले तो उनको वापस देनी पड़ेगी, नहीं ये उनका एक्शन लेनी पड़ेगी। तो उसका जो प्रोसेस है तुरंत चालू हो गया। आई एम फॉलोइंग दैट जॉब एंड आई विल सी दैट इट इज़ गॉट क्लियर्ड, अपना फुटपाथ चलने रहने के लिए क्लियर होना चाहिए, वो मैं देख लेने वाला हूँ और हो जाएगा। अच्छा सर, आरिस निमकरमार पर एक तरफ तो बेत वालों का ये इशू हो गया, दूसरी तरफ लकड़ा बाजार है, वहाँ पे जो लोगों का कहना है कि वहाँ के जो दुकानदार है, हालांकि इतने बड़े बड़े गोदाम लेके बैठे हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग फुटपाथ के ऊपर बैठ के लकड़े का काम करते, कीले निकाल के फेंकते, जिसकी वजह से कई बच्चों के साथ में हादसे भी हुए, स्कूल के जाने आने जाने के बच्चों के साथ उनके पैरों में चोट भी लगी कीलों से, उसके ऊपर क्या कार्रवाई है BMC की? खाली चलने वाले के नहीं, वहाँ के आमने सामने दो नज़दीक RSM पे छिकड़ बाजू मस्जिद भी है, लोग प्रेयर के लिए भी जाते हैं, तो बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं, बहुत सारे टैक्सी का पार्किंग का इशू है, तो चलने में लोग बहुत तकलीफ होती है। तो इस तरफ उसमें दो पार्ट है, वेन यू गो टवर्ड शुक्ला स्ट्रीट दिस टाइम ऑफ मैश यू विल फाइंड, आपको मालूम पड़ा वहाँ पे वो हाथगाड़ी लगाते हैं या स्टूल रखते हैं, लकड़े का खेजुना जो मटेरियल आता है बिल्डिंग निकालें उसका निकालने, खिले निकालो, पीसेस करो, उसको रंदा मारो, तो वहाँ पे ये न्यूसेंस है। इस तरफ नहीं है, कहाँ थे तरफ ये म्यूनसिपल वर्कशॉप तरफ कम है, वो लोग आर डिसिप्लिन पीपल करते थे थोड़े, लेकिन अभी नया रास्ते बने के बाद कंट्रोल में आ गए। तो वहाँ की जो शुक्ला स्ट्रीट के जो 8-4 दुकानें हैं मेरे भी ध्यान में आया है और आपने भी दिखा दिया, तो उस पर यही होगा कि हम महानगर पालिका से न्यूसेंस डिटेक्टर अपॉइंट करके उन पे फाइन करेंगे। और क्या फॉर्चुनेटली ये थोड़ा ही है, 5-8 दुकान है, तो कंट्रोल करना इजी है, और पहले उनसे मुलाकात मैं ही कर लूँगा, क्या फाइन इज नॉट सॉल्यूशन, आई बिलीव दैट, उनको समझाने की कोशिश करना, मुझे लगता है वो मानेंगे, ज़्यादा होगा ना तो मस्ती ज़्यादा करते, 8-10 आदमी को मीटिंग लेके तुरंत उनको समझाऊंगा, नहीं तो एक्शन चालू हो जाएंगे। आई हैव पॉजिटिव होप्स अबाउट दे विल रिस्पॉन्ड मी। खाली इस बारे में बोलता हूँ, इस तरफ का जो है जयराज बेन RSM जंक्शन पे एक कुछ पान की दुकान थी, वहाँ पे कोई नया टू व्हीलर सर्विसिंग एंड सेल्स शोरूम आया है, 1-2 महीने में कुछ आया होगा, तो वहाँ पे भी ये नया इशू चालू हुआ पार्किंग का, झगड़े आगे बढ़ने के पहले मैं उनको बुला के बोलने, जो कुछ तुझे करना है तो तेरे हद में रख के, तेरे शॉप के अंदर रख के कर दे, आई होप सो ही विल डू इट, अदरवाइज फैक्ट्री डिपार्टमेंट है, रोड डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस है, उसको भी ठिकाने पे गलत वायर हो लेकिन उस पर कंट्रोल में ला देंगे अपन लोग।
सर अभी आर एस निमकर मार्ग से हट के हम आते हैं एम एस अली रोड पे। एम एस अली रोड की लोगों की शिकायत है कि वहाँ पे फुटपाथ पे इतना इंक्रोचमेंट बढ़ गया भंगार वालों का, लादी वालों का, कि फुटपाथ पर तो जगह बची नहीं है चलने की। फुटपाथ नाम की चीज़ ही वहाँ से गायब हो गई है, और जो रोड है उसको भी आधे से ज़्यादा उन लोगों ने कैप्चर किया है। क्या वहाँ से इमरजेंसी बसेस जो होती है, BST बस, इमरजेंसी गाड़ी, फायर ब्रिगेड, वो निकलने की वहाँ पर परेशानी होती है, उसके ऊपर कभी आपकी नज़र नहीं गई? वहाँ के जो गोडाउंस वाले है वो कर रहे हैं वैसी चीज़ बाहर, कितना भी बोला ना, दे आर सेम्स टू डोज आर ग्रीडी। अच्छे खासे बड़े गोडाउंस है, अच्छा खासा लगता है क्या स्क्रैप मटेरियल, लेकिन अच्छा खासा कमाते भी होंगे, अच्छा मेहनत से कमा रहे, लेकिन दे शुड नॉट मेक अ न्यूसेंस टू द पीपल वो आर पासिंग रोड। एक बस की गाड़ी जाने भी मुश्किल होती है दोनों तरफ, वो स्क्रैप डीलर्स का उनके स्क्रैप मटेरियल ला के डम किला मटेरियल के उनके टेम्पोज ट्रक्स, बाद में इनके फुटपाथ पे उनके मटेरियल, पत्रे बोलो, एंगल्स बोलो, गर्डर्स बोलो, टिकट टिम्बर वुड, तो ला के वो डम करते, और क्या उनके लिए उसकी कीमत कुछ नहीं, कुछ बेफिक्र है। हर 3 महीने, लेकिन 6 महीने में एक्शन हो रही है, वो जल्दी होनी चाहिए, कम से कम हफ्ते भर एक बार होनी चाहिए। और ये इशू भी लास्ट 2 साल से मैं वार्ड कमेटी में ले रहा हूँ। सर मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि जब BMC की वहाँ पे कार्रवाई होती है, ये अक्सर देखा गया है कि जिस दिन BMC की कार्रवाई होने वाली होती है पहले से ही उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आज BMC की कार्रवाई है, तो वो अपना जितना भी सामान है वहाँ से हटा के जो वेस्टेज है वो BMC को साफ़ करने के लिए छोड़ देते हैं। आपकी बात सही है, और ज़्यादा करके ये कब सुना जाता था, मतलब लाइसेंस डिपार्टमेंट की गाड़ी एक्शन लेने जाती थी ना, तभी उनके आगे एक मोटरसाइकिल वालों को रखते हैं ये सब दुकानदार या डीलर्स, और वो मोटरसाइकिल वाला बताते हैं फ़ोन पे, यहाँ पे अभी का मोबाइल की जितनी सुविधा है ना उससे असुविधा भी है, मिस यूज़ भी करते हैं, दे इंटीमेट। और शायद BMC या पुलिस में भी हमारे भी कोई कर्मचारी इंटीमेट करते, इसलिए मैंने वो ये उनके स्टाइल ऑफ वर्किंग जो उनके जो खामियाँ हैं उनकी जो कमतरता है वो मुझे पता है, इसलिए मैं DMC साहब को कहा था कि साहब यू कीप दैट योर कंट्रोल इन योर हैंड, डोंट टेल प्रशासन का। आज सी वार्ड में करने वाले की ई वार्ड में, आप कहीं आपके ई वार्ड में बुलाओ, जंक्शन पे बुलाओ, लास्ट मोमेंट आप ऑर्डर दो कि आप तुमको आज डी वार्ड का ही करना है, आज सी वार्ड का करना है, सो दे विल नॉट कम टू नो। और नहीं तो और कहीं वार्ड में, ए वार्ड में बुलाओ, वहीं से पूरा ताफा बुला के लो, तो ऑल ऑफ ए सडन आने के बाद उनको भी हटाने का मौका नहीं मिलेगा। दुर्भाग्य से मैंने कहा वो 8 महीने से हुआ नहीं, आज आपने ही कहा जैसे सी वार्ड में हुआ है, आई विल रिक्वेस्ट इमीजिएटली वंस दिस योर इंटरव्यू गेट्स ओवर, आई विल रिक्वेस्ट DMC टू स्टार्ट एंड फॉलो द सेम सिस्टम, नोबडी शुड नो वेयर यू आर गोइंग टू टेक द एक्शन। अच्छा सर, जैसे MS अली रोड पे जो मैंने बताया आपको कि ये भंगार वाले हैं, वो लोग वहाँ पे कटिंग करते हैं जो अपना जाके स्क्रैप, वो वहाँ पे LPG सिलेंडर्स यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे बिल्कुल उससे लग के लकड़ा बाजार है, हालांकि वहाँ पे 2 बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन ये तो ऊपर वाले की दया है कि मतलब वो हादसे बड़े नहीं हुए, जिसकी शिकायत फायर ब्रिगेड को भी की गई और आपके रिकॉर्ड में भी होगा BMC के, लेकिन उसके बावजूद भी BMC प्रशासन क्यों ये इतना LPG यूज़ कर रही है, उनके ऊपर तो कार्रवाई, जैसे LPG यूज़ करने का आई थिंक परमिशन, ये LPG सिलेंडर्स है, दोज मस्ट बी ऑफ देयर रेसिडेंशियल यूज़ के लिए हो गए, एक कमर्शियल यूज़ करते हैं, तो ये भी आपने अच्छा मुझे एक मुद्दा बताया, मुझे मालूम नहीं था या मेरे ध्यान में नहीं आया, तो एक्शन के टाइम में जो सिलेंडर कॉन्सपेट किए वापस रिलीज नहीं हुए, वो मैं देख लूँगा और साहब को बोलूँगा कोई भी फाइन भर के भी वो रिलीज़ नहीं करने के लिए। क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है सर, हमारी नॉलेज है कि अगर LPG को यूज़ कर रहा है तो लाइसेंस डिपार्टमेंट को इतनी अथॉरिटी है कि वो जिस LPG जो कंपनी से आ रहा है उनके मैनेजर के ऊपर भी FIR कर सकती है, तो वो क्यों नहीं कर रहे ये लोग? और वो सिलेंडर पे नंबर रहता है, उस पर मालूम पड़ सका ये सिलेंडर कहाँ से आया, तो वो भी मैं पीछे पढ़ूंगा और राइटिंग में तुरंत लिखूंगा कि लाइसेंस डिपार्टमेंट व्हेन कॉन्स्पिकेट दिस सिलेंडर्स दे शुड फॉलो विद द नियर बाय डीलर्स फ्रॉम व्हिच डीलर हैज इशूड दैट एंड हाउ इट हैज गॉन टू थर्ड पार्टी, उसका भी लाइसेंस कैंसिल हो गए, HP बोलो, इंडियन ऑयल बोलो, जो भी बर्मा शेल हो, और जो दुकानदार है फैक्ट्री जिसने अपने नाम पे लिया और इनको यूज इस्तेमाल करने दिया, उस पर भी एक्शन हो, दोनों तरफ एक्शन होनी चाहिए, तो इसके लिए फॉलोअप की जरूरत है और मैं जरूर करूँगा।
अच्छा सर, लास्ट इशू जो मैं आता हूँ उसके पट्टे बापूराव मार्ग पे कि प्रोस्टिट्यूशन वहाँ पे रात में काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ के लोगों का ऐसा कहना है, और हमने भी वीडियो में आपको देखा होगा आपने कि प्रोस्टिट्यूशन वाकई में बहुत बढ़ गया है वहाँ पे। अच्छे घर की लेडीज़ जो है उनको आने जाने में दिक्कतें हो रही है, गलत नज़र से देख रही है वहाँ पे लोग, और वहाँ के लोगों का कहना है कि जब उनके जो एक्स नगर सेवक थे नौशीर मेहता, तो जब वो थे तो वो खुद प्रोस्टिट्यूट के लिए खुद एक्शन लेते थे और ख़ुद वहाँ पे वो वहाँ से प्रोस्टिट्यूट को हटाते थे, लेकिन अभी अब फिलहाल प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, ना तो पुलिस प्रशासन कर रही है और ना और कोई ध्यान नहीं दे रहा है वहाँ पे। आपकी बात एकदम सही है, नौशीर मेहता खाली नौशीर मेहता एक नाम नहीं है, वो फैमिली बड़ी है, मेहता फैमिली हम लोग सब बोलते हैं, आप भी जानते हो 50 साल से वो लोग यहाँ राज करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। उनके पिताजी भी बुजुर्ग, बहुत बड़ा नाम था, मैंने सुना एक्चुअली जो रहते थे ये दुकान है ये प्रोस्टिट्यूट के, वहाँ पे भगवान के बाजू में इनका पिताजी का भी फोटो रहता, बहुत उनकी इज्जत थी, अभी भी है, लोग बहुत मानते हैं, वैसे नौशीर को भी मानते हैं, उसकी हुकूमत थी, अभी भी चल रही है उसकी, ना बोलता मैंने सोशल फील्ड में दें, लेकिन ये चीज़ में उसकी खासियत है, उसको बॉस बोलते हैं, लोग इज्जत के मारे डरते भी उसका, और उसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी देते, तो उनसे भी मैं हेल्प ले लूँगा, उसने जो अच्छा काम किया उस वक्त किया है वो किस ढंग से किया है वो थोड़ा मैं फॉलोअप करने की जरूर कोशिश करूँगा, अच्छी चीज़ किससे लेनी होगी तो जरूर, मैं बिल्कुल शर्माऊंगा नहीं, उनको इज्जत मैं देता हूँ, अभी भी दे रहा हूँ, और उनसे पूछूंगा ये आपने कैसे दिया, और पुलिस डिपार्टमेंट से इशू मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसे कि अभी आपने सुना कि नारुणकर साहब ने कैसे अपने आरोप जो लगे थे उनके ऊपर जनता के उनके बारे में उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो जल्द से जल्द लोगों का फुटपाथ दिलाने की कोशिश करेंगे और जो भी परेशानियाँ ड्रेनेज से लेके माड़ा के कॉन्ट्रेक्टर्स के लेके वो जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करेगी। खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मलिक फरीदी, कैमरामैन अब्दुल्ला अहद के साथ।